हेलो दोस्तों, मैं हूं शिरीश और आप देख रहे हैं बोनसाई एंड गार्डनिंग जोन। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लीची के पौधे को सीड से कैसे उगाया जाता है। लीची के फल गर्मियों के मौसम में आते हैं और इस मौसम में इसे सीड से बहुत आसानी से उगाया जा सकता है। लीची का प्लांट उगाने के लिए हमें फ्रेश सीड्स की जरूरत होती है, तो मैं फ्रेश सीड्स के लिए कुछ लीचियां ले आया हूँ। सक्सेसफुल जर्मिनेशन के लिए हमेशा सबसे बड़ी, सबसे लाल और एकदम फ्रेश लीची ही लेना चाहिए। अब मैं इनमें से सबसे बड़ी बड़ी लीचियां लेकर उनका पल्प निकालकर सीड को अलग कर रहा हूँ। मैंने 6-7 सीड्स निकाल लिए हैं। देखिए, ये सीड्स काफी बड़े बड़े हैं। बड़े सीड्स के जर्मिनेशन के चांस काफी ज्यादा होते हैं। सीड के टिप को भी इस तरह से खुरचकर साफ कर लीजिए। अब मैं इन्हें 2 घंटे तक सूखने के लिए छोड़ दूंगा, ताकि इसके किनारों पर सूखी लेयर बन जाए और फंगस लगने का कोई चांस भी नहीं रहे। सीड का टिप सूख गया है और अब ये लगाए जाने के लिए तैयार है। इन्हें सीधे मिट्टी में लगाने पर सीड्स फंगस के कारण खराब होने की काफी चांसेस होते हैं, इसलिए मैं इन्हें 50% कोकोपीट और 50% वर्मी कंपोस्ट के मिक्सचर में लगाऊंगा। ड्रेनेज होल वाला एक पॉट लेकर इसमें मिक्सचर भर दीजिए। अब सीड्स को बराबर डिस्टेंस पर लगभग 1 इंच गहरा लगा दीजिए। अब इसमें अच्छी तरह से पानी देना है। जर्मिनेशन होने तक इसमें हमेशा नमी बनाए रखना होगा। 8 दिनों बाद कुछ सीड्स में स्प्राउटिंग शुरू हो चुकी है। इन्हें बाहर निकाल कर देखते हैं। अब मैंने वापस लगा देता हूं। सीड्स को लगाए हुए आज 20 दिन हो गए हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें से 3 प्लांट्स काफी अच्छी तरह से ग्रो हो गए हैं। लगभग 1 महीने का हो जाने पर मैं इन्हें बड़े पॉट में या जमीन में शिफ्ट कर दूंगा। बीज से उगाए गए लीची के पेड़ में लगभग 3-4 साल बाद ही फल आना शुरू होते हैं, लेकिन ग्राफ्टिंग से उगाए गए पौधे में 1-1.5 साल के अंदर ही फ्रूटिंग शुरू हो जाती है। वैसे तो लीची का पेड़ जमीन में लगाने पर ही अच्छी फ्रूटिंग मिलती है, लेकिन अगर आपके पास पेड़ लगाने के लिए जमीन नहीं है तो आप बड़े गमले में भी लीची का ग्राफ्टेड या एयर लेयरिंग से तैयार पौधा उगा सकते हैं और आपको अपनी छत पर गमले में भी लीची के फल मिल सकते हैं। लीची के ग्राफ्टेड पौधे आपके आसपास की किसी भी बड़ी नर्सरी में 100 से 200 रुपए के बीच आसानी से मिल जाते हैं। बरसात के मौसम में आप फल देने वाले लीची के पेड़ से एयर लेयरिंग कर सकते हैं। किसी भी फलदार पेड़ की एयर लेयरिंग कैसे की जाती है, इस टॉपिक पर मैंने रिसेंटली एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था। अगर ये वीडियो आपने मिस कर दिया है तो ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दे रहा हूँ। फरवरी मार्च में लीची के पेड़ पर फूल आना शुरू हो जाते हैं। अप्रैल में फल बड़े होकर हरी लीची में बदल जाते हैं। मई जून के महीने में लीची पककर लाल हो जाती है और हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। जहां जहां पर आम का पेड़ उग सकता है, वहां पर लीची का पेड़ भी आप बड़ी आसानी से उगा सकते हैं। बीज से उगाया ये पौधा जब 2 साल का हो जाएगा, तब मैं इसमें लीची के बड़े पेड़ से कलम लेकर ग्राफ्टिंग करूंगा और इसमें फ्रूटिंग होने पर अपडेट जरूर शेयर करूंगा। यदि इसे जमीन में लगाएं तो लीची का पेड़ लगभग 20-30 फीट ऊंचा हो सकता है और 7-8 साल का होने के बाद पूरा पेड़ गर्मी के मौसम में लाल लाल लीचियों से भर जाएगा। लीची एक ट्रॉपिकल ट्री है, इसे अच्छी फ्रूटिंग के लिए ऐसी जगह चाहिए जहां गर्मियों में टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ना होता हो और सर्दियों में 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे ना हो।
तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मेरे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप ऑन गार्डनिंग।